फीमेल्स के सीक्रेट कैसी करती है हस्तमैथुन, इसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। शायद बहुत पुरुष वर्ग को मालूम नहीं, पुरुषों को मालूम नहीं है कि स्त्री भी हस्तमैथुन, महिलाएं भी हस्तमैथुन करती है, करती है कि नहीं करती है मालूम नहीं, मगर महिलाओं को भी हस्तमैथुन करना ही पड़ता है, कुछ बाय चॉइस या फिर कुछ करना पड़ता है करके करती है। अब करना क्यों पड़ता है कि पति बीमार है, फिर वो कहीं बाहर गाँव है, बहुत दिन संबंध आते नहीं है, एक्साइटमेंट बहुत होती है, इच्छा तो बहुत हो जाती है, या फिर और कोई कारण है कि जैसे घर में प्राइवेसी नहीं मिलती है, या कोई गुप्त रोग हुआ है, मतलब ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं कि जिसके वजह से उसका सेक्स अपने हस्बैंड के साथ में होता नहीं है, या फिर औरतें आजकल बहुत लेट मैरिज करती है, तो फिर क्या होता है कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट है, शादी लेट हुई है, और वैसी लड़की तो उम्र में आ जाती है 13-14 साल में, आजकल तो 12-13 साल में ही आ जाती है, और शादी हो रही है 28-29-30 साल में, तो इतने साल करना क्या, तो एक्साइटमेंट तो होती है, हॉर्मोन्स चुपने बैठने देते, और फिर उनको अपने खुद को एक प्लेजर देना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है, वो मास्टरबेशन से होता है। तो मास्टरबेशन खुद वो अपने हाथ से करती है, तो अलग अलग प्रकार है। एक है क्लाइटोरल स्टिमुलेशन, मतलब योनि लिंग जो है, जो योनि जो है उसके ऊपर के बाजू में रहता है, एक दाने जैसा रहता है, उसको उंगली से टिकल करना, तो उसको टिकल करते हैं उंगली से, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्लेजरेबल सेंसेशन है, और वो उनको समाधान मिलता है, आनंद मिलता है, और एक एक्स्टेटिक आनंद मिलता है, मतलब ऑर्गेज्म वहाँ हो जाता है। अब ये उंगली से करेंगे तो औरतों को ये देखना है कि भाई उंगली साफ होना चाहिए, साफ सुथरी होना चाहिए, नहीं तो कुछ गंदगी है, कुछ ख़राब है, और वहीं आप हाथ लगा रहे, कभी कभी क्या होता है खाना खाने के बाद में कर दिया, और खाना यदि तीखा रहा या मिर्ची वगैरह खाने में रही और वही हाथ समझो उधर चले गया, तो बहुत अंगार हो सकती है और लेने के देने पड़ जाते हैं। अब क्लाइटोरल स्टिमुलेशन के लिए औरतें अलग अलग इस्तेमाल करती है तरीके, एक है थाइस जो है वो पैर घिसना, या क्लाइटोरल जो है वो गद्दी के ऊपर घिसना, या पिलो जो है वो उसके ऊपर दबाना और वहाँ घिसना, या कोई हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर घिसना, मतलब ऐसे अलग अलग वस्तु से स्टिमुलेट करना, ऐसा करते रहती है। इससे जख्म हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसलिए कभी भी क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करना है तो उंगली से करना ही सबसे अच्छा है, या कोई ऐसी वस्तु की जो एकदम नरम है, मुलायम है। नंबर दो का जो है कि वजाना में कोई वस्तु डालना, जैसा कोई फल है, जैसे कोई भी वस्तु है, केला है या और कोई है फल है, या टॉयज मिलते सेक्स टॉयज वो डालना, मगर अभी इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर उसके ऊपर एक तो कंडोम पहन लो या उसको साफ करो और साफ करके फिर अंदर डालो, मगर उसमें इन्फेक्शन के पूरे चांसेस है। तो ऐसे कोई सेक्स टॉयज जो मिलते हैं, वाइब्रेटर्स है, वो आप डाल सकते हैं, और वो डाल के यदि वो स्टिमुलेट करते तो उसमें बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। कुछ वाइब्रेटर्स ऐसे रहते हैं कि वो अंदर भी जाएंगे और ऊपर के बाजू में भी क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करके, तो उनको दोगुना आनंद मिलता है उसमें, तो ये एक है तरीका। फिर तीसरा जो है कि इरोजिनस जोन जो है बॉडी के ऊपर, मतलब नीपल्स है उसको स्टिमुलेट करना, कोई कंधे के ऊपर है, पीठ के ऊपर, बटक्स है, फिर थाइज है, उसके ऊपर खुद को स्टिमुलेट कर लेती है और आनंद लेती है, तो वो भी एक आनंद उनको मिलता है। चौथा तरीका जो है वो है एनल प्लेजर, मतलब लैटरिन जहाँ से आती है, एनस जो है वहाँ कोई उंगली डाल के करना, वहाँ उंगली डाल के फ्रिक्शन करना, रब करना, या कोई चीज़ डालना, वहाँ से भी उनको मिलता है। और फिर पांचवा जो है कि कॉम्बिनेशन, एक ही साथ सब तरीके अपनाने का है। अब ये कितने बार करती है औरतें, वो तो उनका उनके ऊपर है, कितने भी बार कर सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसकी लत नहीं लगना चाहिए, लत लगती है तो प्रॉब्लम है। अब औरतें जो है वो पॉर्न देखते देखते करती है, पॉर्न देखना है, और कुछ औरतें शावर जो है ना, शावर तो वो शावर जोर से चलाती है, और वो शावर नीचे की तरफ एकदम डालेंगे क्लाइटोरिस के ऊपर या वजाना के ऊपर, वहाँ से उनको स्टिमुलेशन मिलता है, और वो भी तरीका है क्लाइटोरल स्टिमुलेशन का। एक बार याद रखना चाहिए कि उंगली से आप करते हैं तो नाखून काटना जरूरी है, नाखून नहीं होना चाहिए, और आप कंडोम का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी चीज़ अंदर डालते हैं तो ऊपर से कंडोम लगाते हैं तो क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहेंगे। ज़्यादातर कोई भी लूब्स, मतलब लुब्रिकेटिंग क्रीम्स जो है वो लगाते हैं आप तो बहुत अच्छा है, लुब्रिकेटिंग क्रीम, ताकि तकलीफ नहीं होंगी और फ्रिक्शन भी ज़्यादा नहीं होगा। बहुत सारी औरतें कैंडल से करते हैं, मोमबत्ती से करते हैं, उसके ऊपर कंडोम चढ़ाना और वो अंदर डालना, तो उससे भी करते हैं, तो कंडोम लगाना बहुत ज़रूरी है, या कोई भी मतलब कवर कंडोम जैसा, तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। मास्टरबेशन करना औरतों ने कोई गलत नहीं है, कितने बीमार कर सकते हैं, उसका एडिक्शन जो है वो टालना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि उसका एडिक्शन हो गया,
उसकी लत लग गई तो फिर इच्छा नहीं है उसके बावजूद भी उनको करना पड़ता है, या फिर हस्बैंड घर में है और हस्बैंड करने के लिए तैयार है और तभी भी हस्तमैथुन करना और हस्बैंड के साथ में नहीं करना, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, फिर झंझट झगड़ा हो सकता है। बाकी मास्टरबेशन इज़ ए नॉर्मल थिंग और वो हर औरत कर सकती है, करना ही चाहिए यदि वो मैंने पहले जो बोले कंडीशंस उसमें है तो। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा टैलाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना और हमें आयुर्वेदिक चाहिए, तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना, तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी के तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वो है गोल्ड है, इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसई, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज। ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर वाइटलिटी बढ़ेंगी, जोश जुनून उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टा मोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।